आप यहाँ आगे? बेटा, मैं शहरान के रवैये की माजरत करने आई। हादिया बेगम, इस बात की जरूरत नहीं है। नजमा बहन, बात जरूरत की नहीं, असूल की है। अगर मैंने शहरान की तरबियत की है, तो उसकी खूबियों का अगर क्रेडिट मुझे जाता है, तो उसकी खामियों की भी तो जिम्मेदार मैं ही हूं ना। आप मसले का हल बताने आई थी ना? मेरी बेटी मुझसे इतनी तंग आ चुकी है कि इसको मुझे छोड़कर जाने की जल्दी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों को दुनिया के रहमो करम पर बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। अच्छा, अगर आपने किराया ही देकर रहना है, तो आप मेरे आउट हाउस में रह लें, मुझे किराया देकर। आंटी, लेकिन को तो पता है शरान को एतराज हो सकता है। ये तुम्हारा मसला नहीं है बेटा। लेकिन बात तो फिर वही है ना आंटी, मेरे पास नौकरी नहीं है, किराया कैसे दूंगी मैं? इसका भी सलूशन है मेरे पास। क्या? देखो, तुम ऐसे करो, आज की डेट नोट कर लो। जब तुम्हें जॉब मिल जाए, तो आज के दिन से लेकर तुम्हारी तनख्वाह के मिलने के दिन तक का हिसाब करके मुझे किराया दे देना। आंटी लेकिन जी, हमें मंजूर। अम्मी, ठीक है, इस मसले का भी हल हो गया।